Hi, this is a special video of word list. Lesson 1 and 2 हमने complete कर लिया है और ये word list हमारे lesson 1 and 2 से ही है जिसकी मैंने एक जगह पे compile करके आपके लिए word list prepare किया है. So आज हम ये वर्ड लिस्ट करेंगे. ये कंप्लीट वर्ड लिस्ट है हमारा लेसन 1 और 2 का. ठीक है, तो आप इससे भी अपना नोट्स अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आपने जो भी लेसन्स वीडियो देखे हैं मेरे उससे भी आप अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो. अदरवाइज़ इस लिस्ट को आप अपने नोट में लिख सकते हो. शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. कम, नंबर 1, कम. सो दिस इज लाइक दिस. यू कैन सी ऑलरेडी जो मैंने आउटलाइंस बना रखे हैं उसे देखते हुए आप प्रैक्टिस करना. इनफैक्ट इन सारे लिस्ट को आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना एंड देन यू कैन प्रैक्टिस. सेकंड, comes, okay. Then came में मैंने indicator use किया है, you can see here. camp, campaign, compare, can, candle, cone, scone, contact. You can see जो already मैंने draw कर रखा है उस पर focus करेंगे. I'm just simply here मैं draw कर रही हूँ ताकि आपको draw करने की directions को आप notice कर सको and आप correctly practice कर सको. All right. नंबर 12, कनेक्ट. 13, शुड. यू कैन सी हियर शॉप. पी हमारा क्रॉस करते हुए गया है. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपको फैमिलियर से लगेंगे बिकॉज ये सारे वर्ड लिस्ट आपके लेसन 1 और 2 से ही है. शेड, प्लेस, पैलेस, देन प्लीज. यू कैन सी हियर प्लीज. पुल्स, ब्लैक. ओके, आप फोकस करो जो ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं. मैं पॉइंट आउट करती जाऊंगी. ठीक है, चेक हमारा इस तरह से है. ठीक है, गर्ल, लाइक दिस. ओके, बस डायरेक्शन को नोटिस करेंगे मेरे मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ. अदरवाइज जिस प्लेस पे मैंने ऑलरेडी ये सारे आउटलाइंस ड्रॉ कर रखे हैं इसे ही देखते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, मैनेज. ओके, स्क्वायर, वेव, पास, स्टिल, चेन, चेन, ब्लेम, व्यू, पेपर, स्टॉप, स्टेप. यू कैन नोटिस हियर स्टॉप एंड स्टेप सेम आउटलाइन है. सो हमने स्टेप में
इंडिकेटर यूज़ कर लिया, ई इंडिकेटर, सो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगी जब हम रीड करेंगे क्लेम. ओके, नेक्स्ट मेक टाइम टीम. टीम में भी हमने इंडिकेटर यूज़ कर दिया ताकि मैं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. बियर बार, बार में ए इंडिकेटर यूज़ कर दिया, बियर एंड बार में नो कन्फ्यूजन. नेबर ग्लास हेल्प मेल एंड मेल्ड. मेल्ड डी है तो हमने मेल्ड का डी यहाँ पे इस तरह से आउटलाइन ड्रॉ कर दिया. नेल में देखेंगे नेल इस तरह से है, फिर नेल्ड, नेल्ड का डी हमने नीचे ड्रॉ कर दिया जिस तरह से डी हमारा ड्रॉ होता है. देन नेल्ट, अब नेल्ट में हमारा टी है तो हम टी को ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरह से जिसे ड्रॉ किया हुआ है. हमारा डी रहेगा तो हम ओरिजिनल पोजीशन पे डी को ड्रॉ कर देंगे अगर इस तरह से कोई वर्ड आते हैं तो, ठीक है, ई डी लगा हुआ. एंड हमारा टी आएगा तो हम ओरिजिनल आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद हम टी को ऊपर डिनोट कर सकते हैं अगर लास्ट में हमारा टी आ रहा है तो इससे हम क्लियर रहेंगे कि कौन सा वर्ड है, ठीक है. एंड देन एबल और एबल टू का सेम आउटलाइन होता है, आपने इसमें पढ़ रखा था, एबिलिटी एट बी या बिन चेयरमैन. देन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो ये रिवर्स बी एंड दिस इज डिपार्टमेंट एज वेल. इलेक्ट्रिक, ठीक है, फ्रॉम गो या जेंटलमैन, ही आई, ऑल राइट. देन काइंड, काइंडली, लेटर और लेडी, सेम आउटलाइन, यू कैन डिफ्रेंशिएट बाय इंडिकेटर मी और मे, सेम आउटलाइन. एंड ऑफ क्वेश्चन आर टू दी यू वेरी वी. ओके, क्लियर. नेक्स्ट एक्सीडेंट, योर, योर जिस तरह से हम यू ड्रॉ करते हैं वैसे ही योर. मैन टॉक पार्क शो हाउ होम बॉक्स लाइक दिस विश वॉश सॉरी वॉश क्लॉथ्स पुट फाइंड them will get, you can use indicator, some fish parcel behind select sorry select best full stop. हमारा इस तरह से draw होता है जब हम हमारा sentence end होता है. today garage dinner machine plates. होप सो आपको समझ में आ रही होगी किस तरह से लाइन ड्रॉ हो रहा है. अननेसेसरी लेटर्स मैं रिमूव कर रही हूँ एंड देन जो लेटर्स हमारे रेस्ट बच जा रहे हैं उससे हम आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं.
हैंड्स, यूज, टाइप, सेड, फ्रॉम, कार, स्पेन. All right. Next. Get weak. Head. Told. Give. Late. Indicator use कर दिया. Good. Sight, was, near, local, not, village, dog, bout, there, her, tell, tie, toe, see, ago, into, so, to, lie, and, in, eat, old, all, edge, या फिर edges, apple, PL साथ में है इसलिए हमने apple इस तरह से किया, egg, alright, next, bag, big, bend, अब bend and behind में क्या difference है? Behind में हमारा spelling है BHIND, behind, alright, तो हमने B लिया behind में, फिर H long draw किया, long line draw किया, ये this one and ND behind. ये हमारा बिहाइंड है और बैंड में हमारा बी और ई में शॉर्ट ड्रॉ होता है, शॉर्ट लाइन ड्रॉ होता है, तो ये ई एंड एनडी, बैंड, बैंड एंड बिहाइंड में दिस इज द डिफरेंस. ओके, सीज, साइज, मैन, हैट, stay, way, say, bay, buy, hi, guy, pie, sky, sorry, my, busy, boy, toy, annoy, local, loyalty, royal, royalty, many, any, away, dilemma, dilemma में complete A draw करेंगे, hey, spay, up, episode,
out, outside, an या a opportunity, off, account. लाइन से टच नहीं है तो ओरिजिनल जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है हमने उस पर फोकस करेंगे. विद इन, दैट, ओ क्लॉक, अमाउंट, विथ, विदाउट, डे, within, that, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है. ऑल राइट, ओ क्लॉक, ओ क्लॉक, अमाउंट, विद, विदाउट, दे, carry, check, ear, blue, happy, long सा है, you can see, Japan, J, then P, N, N, and like this for capital, you can draw, visit, call, plan, meet, indicator, you can use indicator, upon, bend, rely, August, air, system, ill, ease, easy, office, layout, next, annoyed, suggested, suggested, okay, had, band, enjoy, enjoyed, lot, wedge, itch, meal, watch, no, concept, often, need, price, estimated, part, course, ignored, students, okay, students, wish, book, of, aunt, Canada, autumn, moved, weeks, typist, over, while, soon, no, is, next, as, shall, glad,
श्योर, अगेन, अबाउट, होप्ड, वाइफ, डब्ल्यू एंड एफ हमने एक साथ ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बिट इंडिकेटर यूज़ किया हमने, दिस, इशू, इनफ, इनफ, रेज, मनी, जिम, बॉयज, जॉइन, क्लब, क्लासेस, क्लासेस, कोल्ड, देन, लाफ, नंब, एन, एम और बी हमने एक साथ ही ड्रॉ कर दिया, ओके। मेस, वॉक, लाइट, फॉर, हैव, मे, तो ये हमारे लिस्ट हो गए टोटल लेसन वन एंड टू। तो आप इससे प्रैक्टिस करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ एंड एक साथ आप कंपाइल करके लिख लो, एंड देन आप देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अगर देख के प्रैक्टिस करने के बाद आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो आउटलाइन को ड्रॉ करने में, तो उसके बाद आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लो सारे वर्ड्स के, एंड देन एज अ डिक्टेशन आप अपनी स्पीड पे ऑडियो रिकॉर्ड करो, एज अ डिक्टेशन आप फिर प्रैक्टिस करो, क्योंकि अल्टीमेटली हमें डिक्टेशन ही लेनी है, ठीक है। तो पहले आप देख के प्रैक्टिस करें, कॉन्फिडेंट फील करने लगे देन आप ऑडियो रिकॉर्ड कर लें, फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप प्रैक्टिस करें। आप दोनों तरीके से आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आउटलाइन ड्रॉ करने में विदाउट एनी हेजिटेशन, देन आप फिर न्यू वर्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो बहुत सारे वर्ड लिस्ट हैं, आप एक टारगेट बना लो डेली बेसिस पे कि हमें इतना करना है, फिर नेक्स्ट डे पे हमें इतना करना है, एंड प्रीवियस डे जो हमने वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस किया है उसे फिर से रिविज़न करना है। तो अपने कुछ कुछ आइडियाज़ आप निकालें एंड प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, पहले वाले वर्ड्स को आपको फिर से रिवीजन करना है, देन न्यू वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करना है, एंड देन थर्ड डे फोर्थ डे आपको सेम ऐसे रिपीट करते चलना है अपने प्रैक्टिस को। आप अपने क्लासेस एक साइड रखें, ठीक है, और अपने आप वर्ड लिस्ट के लिए अलग से टाइम दें। क्लासेस के लिए आप जो टाइम दे रहे हो तो वो तो आपको करना ही है, अपने क्लासेस को आपको पढ़ना ही है, रूल्स देखने ही हैं, रिविजन करना ही है, क्लास के साथ साथ प्रैक्टिस करनी ही है जो भी मैंने बताया है, और आपको अलग से वर्ड लिस्ट प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको टाइम निकालना होगा। तो आपका साथ साथ में पैरेलल होता रहेगा तो सही रहेगा, आपके वर्ड लिस्ट भी प्रिपेयर होते चलेंगे एंड जो भी आपने अब तक में पढ़ा है, क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट करी है और दिस इज़ लाइक अ लैंग्वेज, सो आपको स्टार्टिंग से कुछ छोड़ना नहीं है, एक भी वर्ड्स आपको मिस नहीं करनी है, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे वर्ड्स आपको आगे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्ड वर्ड्स, मॉडरेट वर्ड्स, ईजी वन। सो एक्सरसाइज के साथ आप करते चलोगे वर्ड प्रैक्टिस जो भी आपके वर्ड आ रहे हैं, एंड तो आपको बाद में बर्डन फील नहीं होगा कि हमें बहुत सारे वर्ड्स हैं वो प्रैक्टिस करने हैं एंड ऑल, तो आप वर्ड भी साथ में साथ साथ प्रैक्टिस करते चले, ठीक है। ये जिस तरह से मैंने ये वर्ड लिस्ट प्रिपेयर करी है वैसे ही आप खुद के भी प्रिपेयर कर सकते हो एंड आप आउटलाइन ड्रॉ कर सकते हो, एंड कोई भी वर्ड में आपको आउटलाइन ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन आस्क मी ऑन, आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट बॉक्स में, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आप अपने डाउट्स टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं लेसन 3 लेकर आऊँगी, एंड देन फिर लेसन 3 एंड 4
इस तरह से मैं वर्ड लिस्ट भी फिर से लेकर आपके लिए एक साथ कंपाइल करके लेके आऊँगी, देन आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक साथ। देन एंड देन जब कंप्लीट हो जाएगा कोर्स तो फिर मैं सारे पूरे लेसन, टोटल लेसन 10 हैं तो पूरे 10 लेसन्स के मैं एक साथ कंपाइल करके आपको वर्ड लिस्ट पे भी प्रोवाइड कराऊंगी, फिर आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तुम्हारी प्रैक्टिस चलती रहेगी, प्रैक्टिस स्किप नहीं करनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।